रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एरोनॉटिकल के कैंडिडेट जो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट देखने से पहले थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट नंबर के बारे में जान लीजिए। ये जो है इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसी के बेसिस जो आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी नंबर ऑफ़ पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर सुपरिटेंडेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो 6 लेवल का ग्रेड पे है, 4200 का ग्रेड पे है, 5 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 15 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है आपको सिर्फ 12th पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 12th पास हैं और 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर में, तो जो है आप जूनियर असिस्टेंट के लिए भर सकते हैं। सेम कंडीशन जो है सीनियर असिस्टेंट के लिए रखा गया है। देन यहाँ पे टेक्निकल की बात की जाए तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, SAS असिस्टेंट, इसके लिए जो ग्रेड पे है आपका 4200 का ग्रेड पे है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ यहाँ पे तो सैलरी जो है लगभग आपका 45,000 पर मंथ जो है सैलरी हाथ में मिलेगी। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे 29 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। ब्रांच मैंने पहले ही दिखा दिया है, वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है कौन कौन सी ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। BBTech डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए भी मैंने बता दिया है कि कितनी नंबर ऑफ कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 2000 का जो है इनका ग्रेड पे है। टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें तो 106 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन पोस्ट है और टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें 27 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बाकी अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो अगर आपकी कैटेगरी है तो 3 साल OBC के लिए और 5 साल जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए रखा गया है। देन यहाँ पे आपका सुपरिटेंडेंट के लिए जो है और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है 30 साल रखा गया है, बाकी पोस्ट के लिए 27 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वुमेंस कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है और जो जनरल EWS OBC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका जो है पहले तो स्क्रीन टेस्ट होगा यानी कि रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराया जाएगा, कहाँ पे MNIT अलाहाबाद में जो है इसका एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एग्जामिनेशन कब कराया जाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मेल के थ्रू या फिर वेबसाइट में आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको मालूम चल सकता है कि कब जो है इसका एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में अगर बात किया जाए तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट चांसेस ये हैं कि जो टेक्निकल वाली पोस्ट है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके टेक्निकल से पूछे जाएंगे और जो जैसे जो नॉन टेक की पोस्ट है जैसे जूनियर असिस्टेंट उसमें जो है आपके नॉन टेक यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश के क्वेश्चंस रह सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल वाली पोस्ट है उसमें मोस्टली क्वेश्चन अगर 150 का पेपर हो रहा है या फिर 100 का पेपर हो रहा है तो 75% जो है आपके क्वेश्चंस टेक्निकल से रहेंगे, रिमेनिंग जो है आपके नॉन टेक से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो है इस लिंक में जाना है या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक का यूज़ कर सकते हैं जहाँ से फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म की लास्ट डेट जो है आपका 30 सितंबर रखी गई है, 30 सितंबर से पहले जो है फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर लेना है। देन फ्रेंड्स अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज हो रही है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है जहाँ से आप इजीली जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो एक बार मैं फिर से आपको इंपॉर्टेंट डेट दिखा देता हूँ, ये इसके इंपॉर्टेंट डेट है जिसे आप देख लीजिए। इससे पहले अगर आप इच्छुक हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जो है डायरेक्टली फिलअप कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से समरी दिखा देता हूँ जिसमें कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन होता है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 29 पोस्ट है यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए, टेक्नीशियन के लिए 30 पोस्ट, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 15 पोस्ट, देन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 29 पोस्ट ये सेम रखा गया है, देन सुपरिटेंडेंट के लिए 5, जूनियर असिस्टेंट के लिए 15, ये जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो चैनल में जो है और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इनकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले फॉर्म को फिलअप कर ले, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।